नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके YouTube चैनल टेक्निकल नंबर 7 पर। दोस्तों, इस बार वीडियो काफ़ी लेट बन पाई है क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं 4-5 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड काफ़ी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो सभी लोगों के लिए है जिन लोगों के फॉर्म अप्रूव्ड है, खास करके ये वीडियो उनके लिए है। और दोस्तों, जिन लोग का फॉर्म अप्रूव नहीं है या पेंडिंग है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है ताकि ये वीडियो उनके आगे भी काम आने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिनके फॉर्म अप्रूव्ड है उनको हर साल यह काम करना होगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता हमेशा के लिए बंद। तो वह कौन सा काम है जो आपको हर साल करना होगा, नहीं तो आपका भत्ता बंद हो जाएगा? तो दोस्तों, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपका फॉर्म अप्रूव्ड है और आपको यदि हर मंथ बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि आपको हर साल आपके फॉर्म में एक चीज़ हमेशा अपडेट करवानी होगी, जिसका आपको मैसेज भी आएगा और आपकी मेल आईडी पे मेल भी आएगा। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं और उस चीज़ को वो स्किप कर देते हैं, जिससे कि दोस्तों आपका बेरोजगारी भत्ता परमानेंटली बंद हो जाता है, यानी कि दोस्तों स्टॉप हो जाता है। और यहाँ तक कि दोस्तों बहुत से लोगों का फॉर्म स्टॉप हो गया है, मैंने काफ़ी सारे कमेंट देखे हैं जिनमें उन लोगों का फॉर्म स्टॉप हो गया है। और दोस्तों, बहुत से लोगों को जो है मैसेज आया था, उन्होंने मुझे कमेंट में बताया था और उन्होंने मुझे समस्या का समाधान भी पूछा था। तो उन सभी लोगों के लिए भी ये वीडियो है जिन्होंने मुझे मैसेज में वो बताया था। दोस्तों, यह मैसेज मुझे राकेश कुमार जी का आया हुआ है फ्रॉम सीकर डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्तों, यह मैसेज उनको रोजगार कार्यालय तरफ से आया था। इसमें लिखा है दोस्तों, योर अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट अप्रूवल हैज़ बिन स्टॉप बाय सीकर, यानी दोस्तों इनका जो फॉर्म है स्टॉप्ड कर दिया है सीकर डिस्ट्रिक्ट से, यानी रोजगार कार्यालय सीकर के द्वारा इनका मैसेज स्टॉप किया है। अब दोस्तों, इसमें रीज़न भी लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ रीज़न डिक्लेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नोट सबमिटेड आफ्टर 1 ईयर, यानी कि दोस्तों इन्होंने अपने फॉर्म अप्रूव होने के 1 साल बाद यह डिक्लेशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, इसलिए दोस्तों इनका फॉर्म जो है परमानेंटली स्टॉप कर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें आगे लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एप्लीकेशन सब स्टॉप परमानेंट, यानी दोस्तों परमानेंटली इनका बेरोजगारी भत्ता स्टॉप कर दिया गया है। तो मैं राकेश जी से निवेदन करूँगा कि आपका फॉर्म जो है स्टॉप कर दिया गया है, तो आप एक बार रोजगार कार्यालय में जाके संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों इसका निवारण आपको वहीं से मिल पाएगा फॉर्म स्टॉप होने के बाद। तो दोस्तों, बात आती है कि ये डिक्लेशन सर्टिफिकेट क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, यही वो डिक्लेशन सर्टिफिकेट है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा था। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यह वही सर्टिफिकेट है जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था। तो यह सर्टिफिकेट दोस्तों आपको हर साल आपके SSO ID में ई मित्र के द्वारा अपलोड करवाना होगा। लेकिन दोस्तों, एक और बात मैं आपको जागरूक कर देता हूँ कि इसका जो मैसेज दोस्तों आपको टेक्निकल इशू के कारण बहुत सी बार नहीं आ पाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म कब अप्रूव हुआ था। यदि आपका फॉर्म जुलाई में अप्रूव हुआ था, तो दोस्तों 2020 के जून से ही आपको देखना स्टार्ट करना होगा, आपके फॉर्म का स्टेटस चेक करवाना होगा ई मित्र से, या आप खुद भी चेक कर सकते हो। और फॉर्म अप्रूव के 1 साल बाद आपके SSO ID में ऑटोमेटिकली दोस्तों ऑब्जेक्शन आ जाता है, उसमें लिखा होता है कि अपलोड सेल्फ डिक्लेशन सर्टिफिकेट, तो उसमें दोस्तों यह भर के आपको अपलोड कर देना है। और विशेष बात दोस्तों, इसकी जो है अवधि 30 दिन तक रहती है, यानी कि 30 दिन के अंदर आपको यह सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। यदि 30 दिन के आप अपलोड नहीं कर पाते हो, तो आपका फॉर्म परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। अब दोस्तों, इसको भरते कैसे है वो देख लीजिएगा दोबारा से। दोस्तों, इसमें देखिए, फर्स्ट कॉलम देखिए आप, आई लिख के डेज आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा और सन ऑफ, डॉटर ऑफ, यानी कि आपके पिताजी का नाम, या फिर आप मेरिड तो आपके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखिए एज, डेट ऑफ बर्थ,
आपको उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है पूरी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद रेजिडेंस ऑफ यानी कि आप कहाँ के निवासी हो वो लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में देखिए सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर दोस्तों आपको अपने साइन करने होंगे और यहाँ पे जो फोटो का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों इसमें आपको अपनी फ़ोटो लगानी होगी। फ़ोटो लगाने के बाद दोस्तों आपको फ़ोटो को अटेस्टेड सेल्फ करना होगा यानी कि आपको सेल्फ फ़ोटो के ऊपर साइन करने होंगे, आधे साइन फ़ोटो पे और आधे साइन बाहर मिलने चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप अपना फॉर्म अपलोड करवा सकते हो ताकि दोस्तों आपको फिर से ऑब्जेक्शन नहीं आए, आपका एक ही बार में फॉर्म सही से अपलोड हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फॉर्म अपलोड करा के अपना बेरोजगारी भत्ता स्टॉप होने से रोक सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करो और यदि दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। मैं इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ लाते रहता हूँ बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड ताकि आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूँ अच्छे से। और दोस्तों यदि इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।